सर दो मनसा है, दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत और। कहती है अति पिछड़ों की हितैषी है और अति पिछड़ों के पीठ पे छुरा घोंपने का काम की। आज निचले स्तर पर पंचायती राज स्तर पे जो अति पिछड़ा समाज के लोग निकल के आ सकते थे उनको रोकने का काम नीतीश कुमार जदयू ने किया। केवल तानाशाही रुपया से काम नहीं चलेगा ना, सुनिए भी और करिए भी। केवल कागज पे ऑर्डर पास करने से नहीं होगा तेजस्वी जी को, उनको कहीं ना कहीं डॉक्टरों से बात भी करना चाहिए और निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है उसको करवाने। बड़ा भाई जाता है कुछ कहता है, छोटा भाई जाके कुछ और कहता है, ये नहीं चलेगा। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में दोनों में नियति है और नियत एक ही होनी चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सियासी घमासान के बीच बीजेपी अपने कुनबे को लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि बिहार प्रभारी विनोद तावड़े 3 दिवसीय दौरे पर थे और आज उन्होंने अंतिम बैठक किया और बैठक में अपने तमाम नेताओं के साथ गेट टुगेदर किया। मीडिया कर्मी से बात करते हुए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नितिन नवीन क्या कुछ पहले कह रहे हैं, सुनिए आप। जदयू सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन करने कार्यक्रम करने जा रहा है पूरा बिहार में, आप लोग आरक्षण विरोधी है इस विषय को लेकर? जदयू अपने पहले नेता को बचाने में लगे हुए, नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में आज हैं कि उनकी पार्टी उन्हीं का पोल खोल रही है, जिस प्रकार से अति पिछड़ों को आरक्षण कई राज्यों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया, बिहार की सरकार की अवकर्मण्यता और बिहार सरकार ने इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि अगंभीरता से लिया। और इस पूरे विषय को देखेंगे तो हमारे पंचायती राज विभाग के मंत्री और नगर विकास मंत्री ने लगातार इसके लिए प्रस्तुतन किया था। हमारे दोनों जो माननीय सम्राट चौधरी जी और तारकिशोर जी थे उन्होंने लगातार इसका प्रस्तुतन किया, कैबिनेट के लिए फाइल भी भेजा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल पर जाना चाहिए था कोर्ट, तो इसलिए स्टे किया और सरकार ने कोर्ट में भी बहुत ही हल्के ढंग से लिया। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करती है, आज तक 4 तारीख को स्टे हुआ है, 14 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट भी सरकार नहीं जा पाई। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर दो मनसा हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत और। कहती हैं अति पिछड़ों की हितैषी हैं और अति पिछड़ों के पीठ पे छुरा घोंपने का काम की। आज निचले स्तर पर पंचायती राज स्तर पे जो अति पिछड़ा समाज के लोग निकल के आ सकते थे उनको रोकने का काम नीतीश कुमार और जदयू ने किया। एक दूसरा विशेष बैठक हुई है, विनोद तावड़े जी की बैठक हुई है, क्या पार्टी की संगठनात्मक बैठक है? इसमें मूल रूप से संगठन के हर मंडल जिले संगठन की चर्चा होती है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। ये हमारे यहाँ जब भी हम राज्यों में दूसरे राज्यों में हमारे प्रभारी आते हैं या हम लोग जिसका वहाँ पर नियमित ये सब बैठकें होती हैं, जिला स्तर की बैठकें, जिला की कोर कमेटी, अन्य बैठकें स्ट्रक्चर होते हैं, उसी स्ट्रक्चर बैठक के तहत विनोद तावड़े जी का 3 दिन का प्रवास। 2024 के चुनाव की तैयारी, उन विषयों पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए 2024 में हम तो वैसी पार्टी के लोग हैं जो 365 दिन तैयार रहते हैं, जिस दिन चुनाव का आगाज होगा उस दिन हम मैदान में जाने को तैयार। चुनाव को लेकर कुछ विशेष निर्देश? चुनाव को लेकर कहा हम लोग तो यह पटना और शाहबाद की बैठक है, उपचुनाव में जो हमारे पार्टी के नेता लगे हैं सब लोग का दौरा है, सभी विधायक और जो भी जिनके दौरे लगाए गए हैं सब लोग जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि महागठबंधन का भेद खोले, किस प्रकार से नीतीश कुमार के भ्रष्टाचारी सरकार के साथ मिलकर लालू और नीतीश ने जो जोड़ी बनाई है अराजकता और भ्रष्टाचार का, उसको नीचे तक जाकर उजागर करेंगे। सर, सरकार और डॉक्टरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, उप मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, जबकि IMA ने काफी बड़ी बातें कही है। देखिए मुख्यमंत्री जी, पहले तो केवल तानाशाही रुपया से काम नहीं चलेगा ना, सुनिए भी और करिए भी। केवल कागज पे ऑर्डर पास करने से नहीं होगा तेजस्वी जी को, उनको कहीं ना कहीं डॉक्टरों से बात भी करना चाहिए और निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है उसको करवाने। बड़ा भाई जाता है कुछ कहता है, छोटा भाई जाके कुछ और कहता है, ये नहीं चलेगा। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में दोनों में नियति है और नियत एक ही होनी चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है, आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में इन दिनों महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार पर लगातार बीजेपी हमलावर है, इसी क्रम में चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, कोई कसर बीजेपी हमला बोलने से नहीं छोड़ रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव डॉक्टरों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं यह उनका जो है अपने उनका चरित्र दर्शाता है, कोई कुछ और बोलता है, बड़ा भाई उनका कुछ और बोलता है, बाकी नेता कुछ और बोलता है, हर चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। वहीं जदयू को लेकर के उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जदयू के नेता ही मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हुए हैं, यानी कि इन दिनों बिहार में सियासी घमासान शुरू है, वार प्रत्यावार का दौर शुरू है, ऐसे में यह राजनीति जो है कहाँ तक जाती है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फोर नेशन के साथ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, धन्यवाद।